दोस्तों, अगर आप ITI बेल्ट ट्रेड से किए हुए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रोड कोर वायर पर फ्लक्स कोटिंग लगाने की दो विधियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, डपिंग और सकिंग, सकिंग और ब्लोइंग, डपिंग और एक्सट्रूशन, या फिर आपका ब्लोइंग और एक्सट्रूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है, तो इलेक्ट्रोड का साइज किससे लिया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, उसकी कोर वायर व्यास से, या फिर इलेक्ट्रोड के व्यास से, या फिर फ्लक्स कोटिंग की थिकनेस से, या फिर इलेक्ट्रोड की लंबाई से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसकी कोर वायर के व्यास से। अगला प्रश्न दिया गया है, कांटेक्ट इलेक्ट्रोड की कोटिंग में अधिक मात्रा में क्या होता है। तो अधिक मात्रा में क्या होता है, ऑप्शन नंबर दिया गया है कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, या फिर आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आयरन। अगला प्रश्न दिया गया है, एक इलेक्ट्रोड का अंतिम बीट जिसे छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, डेड एंड, स्टॉप एंड, या फिर रेड एंड, या फिर वेस्ट एंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्टॉप एंड। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, हैवी कोटिंग इलेक्ट्रोडे वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं, या फिर फ्लक्स कोटिंग बिजली का सुचालक होता है, या फिर फ्लक्स के जलने से उत्पन्न स्लेग जल्दी जम जाना चाहिए, या फिर कोटिंग इलेक्ट्रोडों की अपेक्षा बेयर इलेक्ट्रोडों के साथ आर्क को स्ट्राइक करना अधिक आसान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फ्लक्स के जलने से उत्पन्न स्लेग जल्दी जम जाना चाहिए, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, वातावरण में किन गैसों को वर्लपूल में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन और आर्गन, या नाइट्रोजन और आर्गन। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्य में से एक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है, बेल्डिंग करंट बढ़ाना, या आर्क को स्थिर करना, या जंग लगने से रोकना, या आर्क के तापमान को कंट्रोल करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोडों पर फ्लक्स कोटिंग के कई कार्य होते हैं, निम्नलिखित में से कोटिंग का प्रायः कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन के विरुद्ध, बेल्ड धातु को संरक्षण देना, या फिर आवश्यक फिलर धातु को प्रदान करना, या आर्क को स्थिर करना, या स्पैटर को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यक फिलर धातु को प्रदान करना। अगला प्रश्न दिया गया हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड प्राय उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर, फ्लैट पोजीशन में बेल्ड करने के लिए, या फिर वर्टिकल पोजीशन में गहरे ग्रूव वेल्डिंग ज्वाइंट के लिए, या फिर एसी वेल्डिंग के लिए, या किसी भी पोजीशन में मोटी प्लेटों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट पोजिशन में बेल्डिंग के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार की इलेक्ट्रोड शीघ्रता से नमी को ग्रहण करती है, तो किस प्रकार की इलेक्ट्रोड शीघ्रता से नमी को ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है,
एसिडिक कोटेड इलेक्ट्रोड, रूटाइल कोटेड, या फिर बेसिक, या फिर टिटेनियम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग के इस प्रकार में हमेशा सेलुलोसिक मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, यह इलेक्ट्रोड कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर लो हाइड्रोजन गाउजिंग इलेक्ट्रोड है, या फिर डीप पेंट्रेशन, या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, डीप पेंट्रेशन इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार की इलेक्ट्रोड प्रति इकाई समय में बेल्ट धातु की अधिक मात्रा में डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगला है आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, फिर डीप पेंट्रेशन इलेक्ट्रोड, या फिर हैवी कोटिंग एसएस इलेक्ट्रोड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोडों का उत्पादन दो स्टैंडर्ड लंबाइयों में किया जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर 250 से 350 मिलीमीटर, या फिर 350 से 450 मिलीमीटर, या फिर 400 से 500 मिलीमीटर, या फिर 18:10। तो यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड आपका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 350 से 450, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड जो कि कोटेड नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस पे कोटिंग नहीं किया रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है बेयर इलेक्ट्रोड, रॉ इलेक्ट्रोड, या बेस इलेक्ट्रोड, या फिर न्यूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिस पे कोटिंग नहीं होता है वो आपका बेयर इलेक्ट्रोड होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड का AWS कोड अक्षर ई से शुरू होता है, ठीक है, और इसका अनुसरण चार अंकों वाला संख्या करती है, इसमें पहले दो अंक क्या प्रकट करते हैं। पहले दो अंक क्या प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है पोलरिटी, बेल्डिंग पोजीशन, फ्लक्स कोटिंग की प्रकार, या फिर बेल्ट धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, फ्लक्स कोटिंग की प्रकार। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड का AWS कोड ई अक्षर से शुरू होता है, इसका अनुसरण चार संख्या वाली करती है, ठीक है, तो इसका तीसरा अंक क्या प्रकट करता है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कहीं भी आप एग्जाम देंगे ना ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो पूरा वीडियो देखना और स्किप मत करना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर पोलरिटी, बेल्डिंग पोजीशन, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार, या फिर बेल्ट धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेल्डिंग पोजीशन। अगला प्रश्न दिया गया है, 2.5 मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील सीट की बेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का उपयुक्त साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1.6 मिलीमीटर, 2.50 मिलीमीटर, या फिर 3.15 मिलीमीटर, या फिर 4 मिलीमीटर। इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2.50 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, इलेक्ट्रोडों की कोटिंग में डिजिट 4 प्रकट करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड का जो कोड होता है उसमें चौथा नंबर क्या प्रकट करता है, उसके बारे में है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वर्टिकल डाउन के अलावा सभी पोजीशने, या फिर फ्लैट बट बेल्ट, फिलेट
फ्लैट प्लेट या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लैट बेल्ट। अगला है फ्लक्स बट बेल्ट और फ्लैट फ्लैट बेल्ट, या फिर आपका वर्टिकल डाउन फ्लैट बट फ्लैट प्लेट और हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल फ्लैट बेल्ट। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फ्लक्स बट बेल्ट और फ्लैट फिलेट बेल्ट, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रोडों की कोडिंग में रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोडों को क्या अक्षर से प्रकट किया जाता है। तो इसमें किस अक्षर से प्रकट किया जाता है, ऑप्शन नंबर दिया गया है ए या एक्स या वाई या जेड, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है एक्स। तो रेडियोग्राफिक क्वालिटी को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं।